व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे रहेंगे। तो गाइस, आप बोलते रहेंगे कि जय तूने अभी दो दिन पहले कुछ व्लॉग डाला था मैंने गणपति का वर्कशॉप का, तो फिर मैं डिलीट किया, मुझे तो कुछ करेक्शन करना है इसलिए मैं डिलीट किया। तो वापस वो ब्लॉग आने वाला है, तो मतलब ठीक है, पहले आज अपन जा के आते हैं, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मुमरा देवी। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो भी ब्लॉगर है, ठीक है। और मुमरा हम लोग क्यों जा रहे हैं? मुमरा देवी जो टेम्पल है मुमरा देवी का, और वो है एक पहाड़ के ऊपर। हाँ, एक पहाड़ के ऊपर टेम्पल है, और लगभग कुछ 750 सीढ़ियाँ है मेरी जानकारी के हिसाब से, 750 सीढ़ियाँ है। तो ठीक है, देखते बोला जाते। और बारिश भी बहुत चल रही है, और हम लोग को जाना है मुमरा, मतलब ठाणे के नज़दीक, मतलब मुमरा स्टेशन से कुछ लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वो, और फिर हमको वहाँ से फिर चढ़ाई चालू करनी, 750 सीढ़ियाँ। मैं बचपन में गया था, बचपन के बाद फिर मैं आज जाने वाला। तो फिर मैं ही बोला बारिश आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, जाना तो है, व्लॉग तो करना ही है। तो अभी फटाफट मैं रेडी होता हूँ, मतलब मैं रेडी होके ही बैठा हूँ, मैं बस अपने दोस्त की राह देख रहा हूँ, वो आएगा फिर अपन निकलेंगे मुमरा के लिए, ठीक है। तो चलो आज का व्लॉग हम लोग ऐसे स्टार्ट कर देगा। तो अभी अपन निकल पड़े, और बारिश तो चल रही है, छाता लिए, और सामने से अपना दोस्त भी आ रहा है व्लॉगर, दिखाता हूँ आपको। चलो, तो फाइनली अपना भाई अपना व्लॉगर आ चुका है, आज दोनों व्लॉग करेंगे, ठीक है। भाई का ये व्लॉग चैनल है, सब्सक्राइब करो अपने चैनल, सब्सक्राइब करो। नाम क्या है? संकेत ब्लॉग। हाँ, तो भाई को भी फॉलो करो, बहुत मेहनत है। आमी बगा भर पाउस भर बारिश में हम लोग बाहर आए, सपोर्ट करो, ठीक है। चलते हैं। आज भी घर वाले सब वही बोल रहे थे कि जो बारिश गिर रही है, मत जाना, पागल है क्या तुम लोग यार, कि हर टाइम बारिश गिर रही है, हर टाइम कुछ ना कुछ होता ही है। और जब हम दोनों कुछ प्लान करते हैं ना, मैं और संकेत, सच में कुछ ना कुछ होता है यार। संकेत, ये होता ही है, कभी बारिश आती है, कभी किसको कोई बीमार गिर रहा है, कभी कुछ क्या, कभी कुछ। तो बोला आज झाके रहेंगे, तो बड़ा पहुँचते हैं मुमरा, ठीक है। अभी गाइस हम लोग मुमरा स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी उतर चुके हैं हम लोग। और आपको मैं देखा सीन देखा अपने ट्रेन में से, वो सब बादल यार, पूरा बादल ने घेर लिया था पूरे इसको, पहाड़ को। तो सामने अपना मंदिर है, स्टेशन से दिख रहा है आपको, दिखाया मैं जूम करके, वो मंदिर है, वहाँ पर जाना आपको दिखाता हूँ। देखो ये मंदिर है वो सामने, और बादल देखो उसके ऊपर, गाइस क्या लग रहा है यार, गूज़बम्प्स आया संकेत, एक नंबर। ये इस सीन के लिए ना मैं कब से रुका होगी, बारिश आएंगे तब अपन जाएंगे। तो जाते हैं, देखो सीन है ऐसा, मेरे को ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या मुझे नहीं मालूम क्यों डर लग रहा है। और देखो पहले से मेरा पैर मेरे को बहुत दर्द दे रहा है, मैं आपको बताया नहीं, और डर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा कि ये सब सीन देख के, क्योंकि जितना मतलब बोलते ना, जितना सीन अच्छा लगता है ना उतना खतरनाक भी रहता है। तो जाते हैं, अभी निकलते हैं फटाफट, लगभग कुछ 750 सीढ़ियाँ हैं, तो अभी अपने ऊपर चढ़ने हैं, तो फिर चाहते हैं यहाँ से नज़दीक है स्टेशन से। देखो सामने स्टेशन है, और यहाँ है मुमरा देवी का प्रवेश द्वार, यहाँ से सीधा हमें ऊपर के लिए ना चढ़ाई करनी है। संकेत, ट्रैकिंग के लिए रेडी है क्या? हाँ फिर चलो। हम लोग जस्ट रस्ते से अगर हम ऊपर है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी अपना एक ऐसा समझो कि ट्रैकिंग चालू हो रहा है, तो लगभग कुछ 750 सीढ़ी है ऊपर, तो अभी पैर पड़ के और फिर निकल दे फटाफट, यहाँ पढ़ लेते और फिर है ना अपनी ट्रैकिंग चालू करते। हमारा सफ़र अच्छे से जाना चाहिए बाबा, बस दुआ करो, ऐसे ही बहुत सारे अपने वीडियोस हम लोग लेते आते रहेंगे। मैं हूँ
और अपने संकेत अपने साथ है, फटाफट ऊपर चलते, फिर पढ़ लिया है बस, अपना ये सफर अच्छे से जाना चाहिए, ठीक है? चलो चलो छतरी ये मैंने मैं दो छतरी में घुमा दिया मालूम है, छतरी लेके मिल गया, छतरी लेके आ रहा है मेरा दोस्त। अरे टेक लेने की इसमें मैं भूल ही गया सर। मित्रांनो एक छतरी नहीं संभाल पा रहा है, तू लड़की क्या संभालेगा? Hey बता लड़की क्या संभालेगा, छात्री नहीं खाई इस जगह पे, ऐसा बात नहीं करना हमने को, ठीक है? चलो अब मेल पर गए थे। नहीं देखो अभी हम लोग सिर्फ नहीं बोल के 30-40 सीढ़ी पहुँचे रहेंगे बराबर, और आपको ना जगह जगह पे स्पॉट स्पॉट पे ऐसे ऐसा फुल व्हील का मिलेगा, तो आप ले सकते हो। और ऊपर का सीन देखो, सामने मंदिर है, दिख रहा है नज़दीक बट बहुत लंबा है। Two thousand years later. तो अभी है ना मैं कुछ सौ सीढ़ी चढ़ा रहेगा, हम लोग इतने थक चुके ना यार, ऊपर से बारिश गिर रही है और मैं जो जीन्स पहनी बहुत टाइट है, तो हम लोग है ना नॉन स्टॉप नहीं जाने वाले, जगह जगह पे रुक के जाने वाले। आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ मैं, देख लो। चलो ये एक हाईवे है और हाईवे से अपना ये सीढ़ी ऐसा ऊपर जा रही है, ये देखो। और बादल देखो यार, बारिश मत आ रही इतना यार, इतनी बारिश आ रही है, कैसा करने का व्यू पर चढ़ने का? बहुत टाइम के बाद आज जिम हो रही है हमारी, देखो इतने बारिश में मेरे को पसीना आ रहा है, इसको भी आ रहा है पसीना पसीना। आज हो रहा है हमारा लेग डे, लेग वर्कआउट। मेरा नहीं, मेरा होता ही रहता है लेग डे, मेरा कार्डियो भी होता है, सब होता है, मेरा हो रहा है। ये जाते हो गाइस जिम? सीन ऐसा है, हमको भी बीच में एक मंदिर मिला है, यहाँ पर ऐसा है ना बीच बीच में एक स्पॉट है, वहाँ पर मंदिर है, तो ये पीछे बारिश बहुत बढ़ चुकी है, छाता रह के भी हम दोनों भीग चुके हैं। आपको अगर दिखाऊँ सामने का व्यू तो बहुत ऑसम है, बादलों ने पूरा घेर लिया है पूरे पहाड़ को। तो अभी आपको सीन दिखाता हूँ, अरे मंदिर है, इसका पेड़ पड़ते हैं, ऑक्सीजन आप डायरेक्टली ऊपर लेंगे। बीच बीच में तो ऐसा नहीं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, बीच बीच में स्पॉट लेना है, बारिश बहुत आ चुकी है ऊपर और रिस्क भी है इसके अंदर, इसलिए हर एक स्पॉट पे हम लोग रुक रहे और रुकेंगे, कंपल्सरी रुकेंगे। आगे का सीन देख लो आप एक बार। गाइस ये देखो पानी का फ्लो कितना बढ़ चुका है यार, अरे भाई नहीं यार, अपन बोल रहे अपन सब बोलते थे ये सब सीन अच्छा रहता, बहुत रिस्क रहता यार। आप कभी भी गाइस जाएंगे ना, किधर भी जाएंगे, कौन सी भी प्लेस पे जाओ यार, अपने ओन रिस्क पे जाओ यार, ये सब मैं तो बोला रिस्क उठाओ ही मत।
देखो अभी तो ना यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है डायरेक्ट, तो बारिश भी है और भीग चुके हैं, पैंट हो गई भीग के एकदम टाइट, इसके लिए चढ़ने जम रहा नहीं है। और आपको जगह जगह पे ऐसा बैठने के लिए स्पॉट मिलेगा, पर अभी तो बैठो मत बारिश में। हम लोग रुक रुक के क्यों चल रहे हैं कि बारिश गिर रही है और पूरा सीढ़ियों पे पानी है, फिर स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, ये सोचो मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, चढ़ लूँगा यार, कुछ भी बोलते यार, ये भी एक पानी देखो ना, गिरेंगे इसलिए आगे का ब्लॉक लानेंगे तुझे, फिर गिरेंगे तो ऐसे चलेगा। चलो दिख तो चुके हैं वैसे भी। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब बोल ही रहा हूँ, छतरी लाने का फायदा क्या होगा, ऐसे भी भीग ही चुके हम दोनों, इतनी बारिश है, तो ये किस चीज़ के किस काम में आया, ये कुछ भी नहीं, उल्टा ये तो हमको और भिगा रहा है। सही है, तो अभी और एक घंटा ऊपर पहुँचने के लिए है। हम लोग देखो क्या है ना, व्यू इन्जॉय करते करते जा रहे हैं, भाग रहे नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर भागो ये करो, हम लोग बीच बीच में रुक रहे, भाई अपने वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंस्टा के लिए, तो इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे रील्स लेके आ रहा हूँ मैं, जल्दी जाओ फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देखो यहाँ पर आईडी है, जाओ फॉलो करो। और क्या ही बताओ, जन्नत है यार ये सब, और मैं यहाँ पर बहुत देख रहा हूँ ऐसा कि पब्लिक आते हैं यहाँ पर और कुछ खाने पीने का चीज़ें लेती है और कचरा करती है यहाँ पर, मत करो यार ऐसा, नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम ही एक इंसान है ऐसे जो इस प्रकृति को गंदा कर रहे, ख़राब कर रहे, सच बात है, इसके वजह से ये बहुत कुछ चालू है, गर्मी बढ़ रही है, कभी बारिश आ रहा है, मत करो ऐसा, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ की, तुम यहाँ पर आ रहे कुछ गंदगी कर रहे, नहीं यार सच में दिल से अच्छा नहीं लगता नहीं, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर कहीं से भी आप जगह पर जा रहे हो तो उस जगह की रिस्पेक्ट करना, अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ, ठीक है, जाते अभी फिर से ऊपर, आपको मैं अभी डायरेक्ट मिलूंगा ऊपर जाके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली फाइनली गाइस, पूरे दो घंटे बाद पहुंच गए हम लोग आई मुमरा देवी मंदिर, अच्छा लग रहा है यार, तो चलो अभी पहुंच तो गए अभी ऊपर, बस चाहते हैं पेड़ पड़ते, अरे यार बचपन के बाद आज मैं आ जाया, पहले ना कौन पेड़ पड़ लेते, अभी वो मुझे नहीं मालूम कि वीडियो निकालना अलाउड है नहीं है, हो सके तो मैं निकाल लूँगा, नहीं तो फिर अब यहाँ से पेड़ पड़ लो, पीछे मंदिर है अपना, चलो पंडित जी बोले निकाल ले, चले तो आ जाओ पेड़ पड़ लो, श्री नव दुर्गा, तो यहाँ पर देखो ये मंदिर है, अभी पेड़ पड़ लेते, तो यहाँ पर अपने पुजारी जी उनसे थोड़ा मंदिर का नाम पूछ लेते, बता दो थोड़ा सा कुछ अगर जानकारी देंगे तो। जय माता दी, जय माता दी, माता है, हाँ नवदुर्गा और मुमरा देवी माता, प्राचीन काल का मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है, स्वयंभू है, हाँ यहाँ पे नाना दादा भगत रहते थे, हाँ उनको दर्शन दिया माता ने, हाँ सबसे पूजा पाठ चालू है, हाँ मुमरा देवी माता है, नवदुर्गा माता, अच्छा नवरात्र में यात्रा बढ़ती है, हाँ महाशिवरात्र में यात्रा बढ़ती है, हाँ मन्नत बोलते हो पूरा होता है, हाँ शैलपुत्री, हाँ नवदुर्गा इधर गर्दी कभी कभी रहता है, नवरात्र में और महाशिवरात्र में, ऐसे नॉर्मल डे में कभी मंगलवार भी चालू रहती है, अच्छा मंदिर चालू रहता है, सही है, पेड़ पड़ लेते अभी, पांडव काल का मंदिर है, मतलब पांडव यहाँ आए थे सच में, चलो धन्यवाद थोड़े आपको हमको जानकारी देने के लिए, जय माता जी, जय माता। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि ये मंदिर पांडव काल है और ये पूरा नवदुर्गा है, नीचे जो था वो सात दुर्गा था, तो एक बार पेड़ पड़ लो सिनेमेटिक्स लेता हूँ, अब मन्नतें मांगो सच होएंगी आप सबके भी और हमारे भी, ठीक है तो चलो पेड़ पड़ लेता हूँ।
हम लोग 2 घंटे चढ़ाई करने के बाद हमको इतना अच्छा व्यू मिल रहा है, और वो भी है सही ऑप्शन है, एक नंबर यार। फोकस नहीं हो रहा है, देख लो यार, देख लो। मतलब से है सर, थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं कुछ ये व्यू देख रहा हूँ। और यार बादल गरज रहे ऊपर, आवाज़ बहुत जोर से आ रहा है यहाँ पर। आपको दिखा था हमने कौन से स्टॉप, हम लोग कौन से स्टॉप पर रुके थे, जो नीचे था ना मंदिर, वो स्टॉप दिखा था आपको मेरे को। नीचे यहाँ से दिख रहा है, वहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया पूरा ऐसा आके, फिर ये मंदिर था नीचे, दिख रहा है आपको ये मंदिर पर हमने फिर स्टॉप लिया, फिर वहाँ से कंटिन्यू ऊपर आके रुक रुक के मंदिर पे। ये सीन था यहाँ का, मतलब आपको दिख रहा है स्टेयर्स, ऐसे कुछ सीन है यहाँ पर। और ये आगे का सोच लो, अभी पेड़ पढ़ लिया, अभी अभी हम लोग सोच रहे थे यहाँ से निकल जाए, अभी जाते निकले अभी, क्योंकि हम लोग कुछ 12:30 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी, तो 2 बजे हम लोग ऊपर पहुँचे। अभी पेड़ पढ़ लिया, निकलते अभी यहाँ से, जाते हैं नीचे, बारिश भी बहुत चल रही है, जल्दी घर पे पहुँचना है, तो फिर घर वाले सोच लो पेड़ पढ़ लो, चलो माँ के पेड़ पढ़ लिए, अब अभी निकलते घर के तरफ। चलो अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से, आपको अभी डायरेक्ट मिलेंगे हम नीचे, ठीक है। और ध्यान से उतरना बाबा, क्योंकि सब स्लिपरी है, पानी भी नहीं, सब है ना, रिस्क है बहुत। ये देखो ऊपर देखो, पूरे बादल बादल, नीचे के बादल हट चुके हैं अभी तो। अभी दिख रहा है सीढ़ी, अभी जस्ट हम लोग नीचे उतरे, और लिटरली गाइस नीचे उतरते उतरते इतने पैर कप कप आ रहे थे ना मेरे, बहुत ऐसे एकदम स्प्रिंग के जैसा। अभी नीचे उतर चुके हैं, अभी अभी हम लोग ऐसे निकल जाए। मेरे डैडी का फ़ोन आया था, क्योंकि इतनी बारिश चालू है ना, देखो अभी मेरा कैमरा भी थोड़ा भीग रहा है, इतनी बारिश चालू है ना कि मुंबई में सीधा ऐसा ज़्यादा बारिश गिरता तो ट्रेन रुक जाता है, तो फिर इसलिए हम लोग बोले निकलते फटाफट। वीडियो अभी मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, तो अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा मैं, ठीक है। चलो ना गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।